नमस्कार, अर्चना स्वाद बास्केट में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने वेज मेन्यूज की रेसिपी लेकर आए हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए जान लेते हैं। 200 ml दूध, जो फुल क्रीम दूध है, चिल्ड होना चाहिए, या फिर आप मलाई भी ले सकते हैं। 200 ml ऑलिव ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल जो चिल्ड हो लेना है। नमक स्वाद अनुसार, चीनी आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और नींबू का रस 2 टीस्पून, या फिर विनेगर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे एक मिक्सी जार में ऑयल डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, 2 टेबलस्पून नींबू का रस या फिर विनेगर भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, चीनी आधा चम्मच और काली मिर्च आधा चम्मच डालेंगे। फिर जार में लिड लगाकर मिक्सी में पल्स एंड ब्लेंड करके 10 टाइम्स तक चंड कर लेंगे। फिर इसे एक पैन में गाढ़ा गाढ़ा डालेंगे और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर गैस पर लगातार थिक होने तक चलाएंगे। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बस तैयार है। अब इसे सर्विंग पॉट में निकाल लेंगे। आप स्टोर करने के लिए इसे एक साफ सूखे जार में पॉट में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं। खाने के लिए इसे ब्रेड, सैंडविच, सलाद में स्प्रेड कर सकते हैं। ये झटपट बनाने में आसान और खाने में स्वाद से भरपूर है। इसे मनपसंद सीजनिंग, मिंट कोरिएंडर पेस्ट, मिक्स हर्ब, चिली सॉस, गार्लिक डालकर भी बना सकते हैं। मैंने प्लेन सॉल्ट एंड पेपर डालकर बनाया है। तो आपको अर्चना स्वाद बास्केट की वेज मेयोनीज की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये एकदम फ्री है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या क्या बनाना चाहते हैं। फिर हम मिलकर बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।